देखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए मैंने लाइट आपकी यहाँ पर ये ब्रांड करके मैंने आपको दिखाई है, दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पर एंगल आई है एंड दिस इज योर एंगल आर। आपको ये जो एंगल आपको गिवन है डेट इज नोन एज आर आपको गिवन है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक मिरर लिया और मैंने मिरर को प्लेस करके मैंने मिरर को इस तरीके से यहाँ पे प्लस की प्लेस कर दिया है। दिस इज योर मिरर, ठीक है। जब मिरर पे लाइट पड़ेगी तो मिरर से लाइट ये टकराकर वापस अपने ही मीडियम में अपने ही पाथ पर ये वापस लौटती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम बेटा इसे आपको हम इसे बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर हम स्टेप वन, ठीक है बच्चों। स्टेप वन में आप यहां पर देख रहे हैं, स्टेप वन में हम आपको बता रहे हैं जैसे ही जब लाइट आपकी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो इसका मतलब क्या है बेटा? फर्स्ट मीडियम से क्या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम इज इक्वल टू, ये आपका स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करिए, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो आप देख सकते हैं यहां से तो कितना आ जाएगा बच्चों, साइन आई अपॉन में साइन आर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब आता है बच्चों स्टेप टू। स्टेप टू में आप क्या देख रहे हैं? अब लाइट जो है यहाँ मिरर की वजह से लाइट इस पर टकराई और अपने ही पाथ पर वापस जाके वो अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब सेकंड मीडियम से लाइट फर्स्ट मीडियम में जा रही है तो क्या आएगा बच्चों? सेकंड मीडियम से लाइट फर्स्ट मीडियम में जा रही है तो यानी साइन आर अपॉन में साइन आई, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप देख रहे हैं, ठीक है। वन एंड टू मल्टीप्लाई टू एंड वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। देख सकते हैं आप वन एंड टू की वैल्यू ये है एंड सेकंड टू एंड वन की वैल्यू क्या है बच्चों? साइन आर अपॉन में साइन आई, ठीक है बच्चों। तो ये आप देख रहे हैं यहां से ये सभी चीजें आपकी कैंसिल आउट हो रही है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन आर से साइन आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? वन। तो आप यहां से देख रहे हैं वन एंड टू इंटू टू एंड वन इज इक्वल टू वन, ये आपका फॉर्मूला यहां से बन गया है, ठीक है बच्चों। अब यहां से वन एंड टू की वैल्यू निकालेंगे, वन एंड टू इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? वन अपॉन में टू एंड वन, हाँ या ना बच्चों? ये वैल्यू आपका आंसर यहां से आ जाता है, ठीक है। अब यहां से वन एंड टू की वैल्यू निकाली, अब टू एंड वन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? टू एंड वन यानी सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में लाइट आ रही है जब, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी के बाद, तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन में, तो बेटा टू एंड वन की वैल्यू निकाल तो वन एंड टू आ जाएगा यहां पर, वन एंड टू। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, डन। तो सभी बच्चे इसे नोट करेंगे, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो सभी बच्चों को ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब इंसिडेंट रे आती है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आती है, सेकंड मीडियम में हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, लाइक एन मिरर, जिससे लाइट टकरा के रिफ्रैक्टेड रे टकरा कर आपकी रिफ्लेक्ट होती है और अपने मीडियम में वापस जाती है, ठीक है बच्चों। तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो साइन आई अपॉन में साइन आर, जब सेकंड मीडियम से वापस अपने मीडियम में आ रही है जैसे कि आप ये साइन देख रहे हैं ब्लू वाला, ठीक है, तो आपका जो सेकंड मीडियम से जब आपकी फर्स्ट मीडियम में आएगी तो साइन आर अपॉन में साइन आई। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ होता है बच्चों? स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं बाय द स्नेल्स लॉ, हमने सॉल्व किया है बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा इसे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है बच्चों, इसके बारे में अब हम यहां पर स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, के ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है? चलिए बच्चों फटाफट से हम इसमें ड्रॉ करेंगे आपकी। सबसे पहले ग्लास स्लैब बनाएंगे बेटा, ठीक है, एक ग्लास स्लैब हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखेंगे आप यहां पर एक ग्लास स्लैब को हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और इससे हम रिफ्रैक्शन आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से आपका जो रिफ्रैक्शन है वन मीडियम टू सेकंड मीडियम जा रहा है, सेकंड मीडियम से दोबारा जब फर्स्ट मीडियम में जब लाइट आती है, ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से वो रिफ्रैक्ट होती है इसके बारे में अब हम यहाँ पर कंप्लीटली स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्लैब मैंने आपको दिखाई है बच्चों, पी क्यू आर और ये एस, ठीक है बच्चों, ये आपकी स्लैब हो गई, यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, जब आपकी इंसिडेंट रे आती है, ठीक है बच्चों, ये देखें यहाँ से,
ये माना कि आपकी इंसिडेंट रे आ रही है इस तरीके से, और यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे फॉल हो रही है। ठीक है बच्चों, दिस इज योर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब जहाँ जिस पॉइंट पर आके टकराती है, तो बच्चों उस पॉइंट पर क्या होता है बच्चों, आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने आपके लिए इसमें नॉर्मल ड्रॉ करा है इसको समझाने के लिए बेटा। ठीक है, अभी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस होता है। ठीक है, अब ये माना कि आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर है, ये आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो यानी आपको गिवन है एन टू इज ग्रेटर देन एन वन। जब आपका डेंसर मीडियम है तो लाइट आपकी क्या होगी बच्चों, बैंड हो जाएगी। तो लाइट आपकी यहाँ पर जो है बच्चों वो बैंड हो जाती है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं इसमें लाइट को बैंड करने वाला हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो ये लाइट जो है इस तरीके से ये बैंड होकर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी लाइट बैंड हो गई यहाँ से। तो आप यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर एंगल आई एंड दिस इज योर एंगल, यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं बच्चों आर वन। क्या मान लेते हैं? एंगल आर वन। अब ये दूसरे इंटरफेस पर आ चुकी है लाइट, कहाँ पर आ गई बच्चों? एस आर पर। एस आर पर फिर दोबारा से क्या बनाएंगे बच्चों? यहाँ पर हम नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होगी लाइट। ये देखो बेटा, मैंने इसे नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद तो बेटा ये आर वन, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट दोबारा हो जाएगा यहाँ से। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं बच्चों, ये एंगल आपको गिवन है आई टू। क्या गिवन है बच्चों? आई टू। अब आप देख रहे हैं डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट आएगी तो वो क्या होगी बच्चों? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगी। तो कुछ लाइट जो है इस तरीके से आपकी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मैंने एंगल आपका बना दिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं आर टू। ये मैंने आई टू लिया था तो ये आर टू ले लिया बेटा मैंने। ये हो गई बेटा इस रे को जो हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं इसे हम? इमरजेंट रे। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, इमरजेंट, इमरजेंट रे। ओके स्टूडेंट, तो इमरजेंट रे कौन सी रे होती है बच्चों? जो क्या नाम है, डबल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस होता है। जब वन मीडियम से सेकंड मीडियम में आई, सेकंड मीडियम से फिर फर्स्ट मीडियम में दोबारा वापस लाइट आ रही है। ठीक है, तो उस रिफ्रैक्टेड रे को हम इमरजेंट रे कहते हैं। तो बच्चों अगर आप देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पर हमारे पास में, अगर यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ये जो लाइट है, ये जो लाइट आपकी आ रही थी जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट वाली लाइट थी, वो लाइट कुछ इस तरीके से वो आगे मूव करके चली जाती है। आप यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको ये क्लियर पॉइंट आपको समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बेटा ये। ठीक है बच्चों, ये रे मैंने आपको दिखाई यहाँ पर। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे, यानी रे अगर आपका मीडियम होता सीधा, जो दोनों मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता, तो ये रे आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जाने वाली थी इस तरीके से। ठीक है, और जो ये लाइट आपकी डिस्प्लेस हुई है, इस डिस्प्ले लाइट का, इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम? इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो गैप हमें देखने को मिलता है रिफ्रैक्टेड रे में, इसे बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम लिख देते हैं बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम इसे, मैं स्मॉल डी से मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर देखा, ठीक है, N1 की वैल्यू हम यहां से मान लेते हैं, N1 is equal to आपको 1 दे रखा है और ये आपको मीडियम सेकंड दे रखा है। ठीक है, ये आपका जो नॉर्मल था ये N1 और ये N2 मान लेते हैं बेटा इसे। सेकंड हम मान लेते हैं ये N-N1- और ये N2- है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपके दोनों नॉर्मल मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो शिफ्ट होती है, जो रे हमारी जो शिफ्ट हुई है, यहाँ आनी चाहिए थी, ब्लू वाली लाइन पर आनी चाहिए थी, बट ये रेड वाली लाइन पर आ रही है। इसी शिफ्ट को हम बोलते हैं बच्चों लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? लेटरल शिफ्ट। ठीक है बच्चों, और इस रे को हम बोलते हैं जो सेकेंड टाइम्स आपकी रिफ्रैक्टेड हो रही है, उसे हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों इसको हम जो है इसको जरा ड्राइव करके देख लेते हैं, हाँ, इसको हम ड्राइव करके दिखाते हैं। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और आता है इसके साथ में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेकंड तरीके से पूछा जा सकता है, और इस तरीके से दूसरे तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, इसमें प्रूफ करके दिखाना है। टू प्रूव द इमरजेंट रे, द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे, यानी जो आपकी इंसिडेंट रे आती है ठीक है उसके पैरेलल होती है हमारी इमरजेंट रे, ये दोनों रे आपस में क्या है पैरेलल है, ये आपको दिखाना है बेटा ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं बेटा, इसे आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, चलिए प्रूफ करते हैं बेटा इसे प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से स्टेप वन हम करके देखेंगे बेटा। स्टेप वन में हमने सबसे पहले कहाँ लिया है रिफ्रैक्शन हम ले रहे हैं पी क्यू पर ठीक है, रिफ्रैक्शन एट पी क्यू। तो पी क्यू की आप सरफेस पर आप जो रिफ्रैक्शन देख रहे हैं उसको नोट करेंगे, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट जा रही है तो इसमें क्या लिखेंगे वन एंड टू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर वन, साइन आई इज अपॉन में साइन आर वन ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर वन ठीक है। अब हम यहां से देखेंगे स्टेप टू, स्टेप टू में आप क्या देख रहे हैं बेटा सेकेंड मीडियम से लाइट अब जो है फर्स्ट मीडियम में दोबारा आ रही है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसे हम इसको हम जैसे हम बता रहे हैं यहां से हम देखें ध्यान से, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आएगी लाइट तो इसमें हम क्या लिखेंगे टू एन वन इज इक्वल टू साइन आई टू साइन आई टू साइन आई टू अपॉन में साइन आर टू साइन आर टू। ओके स्टूडेंट्स ये आपके होगी सेकेंड इक्वेशन ठीक है। तो अभी आप सभी बच्चे ध्यान से देख सकते हैं इसमें ठीक है, वन एंड टू का मतलब क्या होता है बेटा बाय इक्वेशन फर्स्ट, पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट ठीक है। वन एंड टू का मतलब क्या होता है बच्चों, वन एंड टू का मतलब क्या होता है एन टू अपॉन में एन वन, हाँ या ना बच्चों, एन टू अपॉन एन वन होता है और एन टू अपॉन वन एंड टू का मतलब हमने साइन आई अपॉन में साइन आर भी किया है, साइन आई अपॉन में साइन आर वन ये मैंने आपको दिखाया है ठीक है बच्चों। तो आपकी ये देख रहे हैं दोनों वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है, तो हम यहां से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों एन टू साइन आर वन इज इक्वल टू एन वन साइन आई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को ये ठीक है। ये सभी बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा, इसको हमने आई माना था इसे यहां पर आई वन मान लेते हैं बेटा, इसे क्या मान लेते हैं आई वन, तो यहां पर हम इसे अगर आई वन मानेंगे तो सब जगह पे क्या आ जाएगा आई की जगह पे आई वन आ जाएगा बेटा, आप देख रहे हैं इसे तो यहां पर ये वन आ गया, सभी बच्चे नोट करिए इसे। अब हम देखेंगे बेटा बाय इक्वेशन सेकंड से तो सेकंड इक्वेशन में टू एन वन हमने लिखा था बेटा टू एन वन ठीक है, यानी सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में लाइट आ रही है तो बच्चों हमने इसको पहले आपको बताया भी था, तो इसमें क्या आता है बच्चों एन वन अपॉन में एन टू हो जाता है, तो बेटा क्या आ जाएगा साइन आई टू अपॉन में साइन आई टू अपॉन में साइन आर टू हाँ या ना बच्चों ठीक है। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं बेटा ये ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं यहां पर आपको जो एंगल दिए हैं उसको आप ध्यान से देखिए बेटा आर वन और ये आई टू, आर वन और आई टू जो है वो दो नॉर्मल लाइन आपको दे रखी हैं, एक नॉर्मल ये है एक नॉर्मल ये है, बीच में ये लाइन आ रही है, तो बेटा आर वन इज इक्वल टू आर टू आर वन इज इक्वल टू आई टू आपको जो दिखाई दे रहा है ये अल्टरनेट एंगल है, क्या है बच्चों अल्टरनेट एंगल, तो हम यहां पर इसे मेंशन करेंगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे बेटा इसे ठीक है। तो मैं आपको यहां पर इसे मैं लिखता हूं बेटा, इसे ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट्स ठीक है, मैंने यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं क्या आपके पास में एंगल आई, ये देखते हैं बेटा यहां से एंगल आर वन इज इक्वल टू एंगल आई टू, ये कौन से एंगल है अल्टरनेट एंगल। ओके स्टूडेंट अब आर वन की जगह आप क्या रख सकते हैं आई टू रख सकते हैं, आर वन की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों आर वन की जगह आई टू रख सकते हैं ठीक है बच्चों। आप यहां से देख रहे हैं आपके पास एन वन अपॉन में क्या आ गया एन टू ठीक है, और आई टू की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका आर वन हम पुट कर सकते हैं, आई टू की जगह पे आर वन पुट कर सकते हैं, तो हम इस वाली इक्वेशन में जो इक्वेशन आपके पास आ रही है इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा एन वन अपॉन में एन टू इज इक्वल टू साइन आई टू की जगह क्या रख सकता हूँ बेटा आर वन, साइन आर वन अपॉन में कितना आ जाएगा साइन आर टू ठीक है बच्चों, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर। अभी आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा एन वन साइन आर टू इज इक्वल टू एन टू साइन आर वन देख रहे हैं बेटा आप यहां से ठीक है। अब ये जो आपकी इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को कंपेयर करके देखिए, कंपेयर बाय थर्ड ठीक है, यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग थर्ड,
जो थर्ड इक्वेशन आई है उससे आप कंपेयरिंग करिए, तो आप देख रहे हैं n2 sin r1, ये दोनों दे रखे हैं इक्वल, तो बेटा ये वाली वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा n1 sin i1 इज इक्वल टू n1 sin r2। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ से n1 से n1 आपका जो है कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं sin i1 इज इक्वल टू sin i2। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी, अगर हम वेरी स्मॉल एंगल अगर हम लेट करके चले तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, i1 इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, एंगल कितना आ जाएगा r2, बेटा r है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा r2। ठीक है बच्चों, तो यानी i1 और r2 आपके एंगल क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आपकी जो रे है वो आपकी क्या है, पैरेलल है। कौन सी रे बेटा, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आपकी इमरजेंट रे से पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस इमरजेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो है इस तरीके से ये प्रूफ करके दिखाना था। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो सभी बच्चे इस वर्क को ध्यान से आप अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है, एक दो बार इसे आप रिवाइज करिए, आपको ये बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या होती है बच्चों, आप बता सकते हैं। ठीक है, व्हेन द रे पासिस फ्रॉम कैन वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, ठीक है, एंड अगेन टू द फर्स्ट मीडियम, देन रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज इमरजेंट रे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सभी बच्चे इसे नोट करेंगे बेटा, इसे अच्छे से नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है बच्चों, चलिए रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ को समझाने के लिए मैं आपको बच्चों सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या है। देखिए बच्चों, मैंने ये क्या लिया हुआ है, ठीक है, मैंने एक इस तरीके से एक कंटेनर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कंटेनर में क्या है, वाटर फील्ड है। क्या फील्ड है बच्चों, वाटर फील्ड है। ठीक है, मान लेते हैं आपका जो वाटर है वो यहाँ तक इसमें फील्ड है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं आपको इसमें ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको डेरिवेशन दिखाने वाला हूँ बच्चों, क्या मैं आपको समझाने वाला हूँ रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या है। ठीक है बच्चों, अब हमारे इस डेप्थ में एक कॉइन पड़ा हुआ है। बेटा ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला है, एक कॉइन है हमारे पास में, वो कॉइन यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब कॉइन से हमारे पास में क्या जाएगी बच्चों, कॉइन से हमारे पास में जाएगी बच्चों इंसिडेंट रे। क्या जाएंगी बच्चों, कॉइन से इंसिडेंट रे इस तरीके से आपकी बाहर की तरफ निकलेंगी। क्लियर है बेटा, इस तरीके से देख रहे हैं आप। तो ये ऊपर का मीडियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला मीडियम आपका N1 है और यहाँ का जो मीडियम है वो आपको N2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपके पास बनेगी बेटा ये क्या है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका बनेगा बच्चों नॉर्मल। ये क्या है बच्चों नॉर्मल, जब डेंसर से मीडियम जो रेयर में जाएगी लाइट, तो बेटा ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल आपकी बनेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो लाइट है वो आपकी डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे आप देख रहे हैं। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपकी नॉर्मल हो गई, रे बैंड हो गई है। अगर ये जो बैंड हुई रे है इसको अगर हम डॉटेड करके अगर पीछे अगर हम इसे मिला के देखें, तो बेटा देखें ध्यान से इसमें, अगर हम इस रे को अगर हम इस तरीके से मिलाते हैं, इन रेज को अगर हम पीछे बैक करके मिलाते हैं, तो हमें ये पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों रे आपस में मिलती हुई मीट होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों वहाँ पर क्या है, इमेज है। क्या है बच्चों, इमेज। और जहाँ कॉइन रखा हुआ है डेट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपकी क्या बन रही है, इमेज। ठीक है, जब हम किसी भी कॉइन को पानी के अंदर देखते हैं, ठीक है, ये मैंने बच्चों आपके सामने एक मैंने आई बना के आपको दिखाई है। ठीक है, जो आई बना के दिखाई, तो ये जो एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है, जो वाटर जो आपकी जो कॉइन की जो एक्चुअल डेप्थ है वो आपकी क्या है, वो आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से, दिस इज योर रियल डेप्थ। क्या है ये बच्चों, रियल डेप्थ। क्लियर है बेटा, ये रियल डेप्थ है आपकी।
ठीक है, बट आपको जो कॉइन है वो थोड़ा सा ऊंचा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर एपरेंट डेप्थ। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे, एपरेंट डेप्थ। तो आप देख रहे हैं कॉइन लगभग आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो डेप्थ आपको दिखाई दी, जो मैं आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं यहाँ से ए बी, तो बच्चों ए बी, और इसे हम मान लेते हैं यहाँ से, इसे हम मान लेते हैं सी डी, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या है, एपरेंट डेप्थ है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहां पर, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिख रहे हैं एन से, ठीक है, रियल डेप्थ आपकी कितनी है बच्चों, सी डी अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी, ठीक है। तो इस तरह के इस फॉर्मूले से हम जो है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ड्रॉ कर लीजिए बेटा सभी इसे। नॉर्मल लाइफ में हमें ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। जैसे पानी में अगर आप वाटर में अगर कोई कंटेनर लें, ठीक है, उसमें अगर आप क्या नाम है कोई पेंसिल को डिप कर दें, तो पेंसिल जो है वो आपको बेंड दिखाई देती है बिकॉज ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। या फिर कोई कॉइन अगर पानी में पड़ा हुआ है तो वो भी आपको थोड़ा सा एक्चुअल हाइट से वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। जिस हाइट पर दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं बच्चों एपरेंट डेप्थ, यानी ए भी आपको यहाँ पर एपरेंट डेप्थ दिखाई गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अभी हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको समझाएंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखें, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर वन आप यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको क्या दिखाया, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर ए लाइट रे इन एयर टू बी 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास टू बी 30 डिग्री फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा सिंपली आप एक डायग्राम अगर बना लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। मेरे पास में जो इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ठीक है, आपको दिखाया गया है, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एंगल जो दिया है वो 45 डिग्री दिया है एंड सेकेंड एंगल आपको 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको दिखाया है, ठीक है। आप यहाँ पर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है। तो बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, मैंने बच्चों आपको स्नेल्स लॉ बताया है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन में साइन 30 डिग्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आप मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हैं, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक है, एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 2। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन रूट 2, ये किसकी वैल्यू हो गई, 45 की, साइन 30 की जब 1 अपॉन 2 रखेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1, कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 अपॉन में रूट 2, ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइज करेंगे अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 2, तो बेटा अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 बन के क्या बन जाएगा, ये हो गया 2√2 अपॉन में, ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आई है, ठीक है, डेट इज नोन एज एन इज इक्वल टू आपको मिल जाती है √2, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें, आपसे यही पूछा गया ना फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपने सॉल्व कर दिया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं आपको किस तरीके से हम बता रहे हैं इसमें सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं, स्विमिंग पूल अपीयर टू बी 2 मीटर डीप। बेटा अपीयर का मतलब क्या है, एपरेंट डेप्थ आपको गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन में एपरेंट डेप्थ क्या लिखेंगे बच्चों, एपरेंट डेप्थ आपको दी है बच्चों 2 मीटर, ठीक है। हाउ डीप इट एक्चुअली बी, यानी रियल डेप्थ आपसे पूछा है, रियल डेप्थ आपसे पूछी है क्वेश्चन मार्क। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया है, एन इज इक्वल टू 4/3, ठीक है बच्चों। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी नो डैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल
डेप्थ, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ बताया था बच्चों, अपरेंट डेप्थ या अपॉन में रियल डेप्थ आपको बताया था, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। तो बेटा यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, रियल डेप्थ को जो आप निकालोगे यहां से, रियल डेप्थ इज इक्वल टू एन इंटू अपरेंट डेप्थ। ठीक है बच्चों, तो एन आपको कितना गिवन है, 4/3, एंड अपरेंट डेप्थ आपको गिवन है कितना बेटा, ये 2 मीटर। तो बेटा यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाता है, इसको आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, 4 × 8 ये आ जाए आपका रियल डेप्थ, आपका कितना आ जाएगा, रियल डेप्थ इज इक्वल टू 8/3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 8/3 मीटर ये आंसर आपका हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपके रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के क्वेश्चन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे नोट करिए बेटा, ये न्यूमेरिकल्स आपकी कॉपी में बच्चों होने चाहिए। आप जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, नोट करिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया जा रहा है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है। तो बच्चों सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करने की आप कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर एयर, और इसमें आपको दे रखा है वाटर, मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो यहाँ पर आपका आएगा बच्चों नॉर्मल, और ये लाइट जो है बेंड होगी टूवर्ड द नॉर्मल, ये बात आपको क्लियर है। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। ओके स्टूडेंट्स, नहीं आपको इसमें गिवन क्या है, ठीक है, आपको इसमें गिवन है जब लाइट आपकी एक मीडियम से ये आपका एंगल आई और ये एंगल आपको आर आई और आर, तो आपको गिवन नहीं है। तो बच्चों आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, सबसे पहले आप देखें लाइट कहाँ से जा रही है, एयर, एयर से लाइट जा रही है, एयर से लेकर लाइट जा रही है आपकी वाटर में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर टू वाटर आपकी जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा यहां पर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब यहां से ये आपको गिवन है, या एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको कितना गिवन है, 1.33, तो आप यहां पे रख सकते हैं 1.33, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको कितने गिवन है बच्चों, 3 × 10⁻⁸, ठीक है, ये आपको गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इसे हम मान लेते हैं बच्चों वी, ठीक है। तो आपको जब वी को जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपका कितना आएगा, 3 × 10⁸, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.33। तो जब बच्चों इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका जो आंसर है, ठीक है, वो कितना आएगा यहाँ से, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो लास्ट में आप ये लिखेंगे जरूर बेटा, हैंस द स्पीड, द स्पीड ऑफ लाइट, ऑफ लाइट इन वाटर, इन वाटर वी इज इक्वल टू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी की क्लास में मैंने जो आपको जो समझाया, ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैंने आपको क्या बताया, इसमें आज मैंने रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में आपको मैंने इसमें समझाया था। सबसे पहले बच्चों हमने जो डिस्कस किया आज की क्लास में, दैट इज नोन एज कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। नो रिफ्रैक्शन आपका कब होगा बच्चों, जब लाइट आपकी अलोंग द नॉर्मल आएगी तो नो रिफ्रैक्शन होगा, जब आपके दोनों मीडियम आपके सेम होंगे उस टाइम पर भी नो रिफ्रैक्शन होगा। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको दिखाए थे, अभी अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, वाटर का कितना था बच्चों, 1.33, ठीक है, और एयर का होता है बच्चों 1 ही लेते हैं, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना था बच्चों। फिर सेकंड पॉइंट में मैंने आपको समझाया बच्चों यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपको जो है सेकंड पॉइंट में रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में देखिए आज हमने सीखा, ठीक है। रियल डेप्थ में यानी एक्चुअल पॉइंट हमारा जहाँ पर है, एक्चुअल पॉइंट हमारा जहाँ पर है, ठीक है, उससे हमें थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज डिप्ड इनटू द वाटर, दैट इज नोन एज रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ। तो हमने बच्चों ये आपने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट आपने इस क्लास में जो सीखा, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब,
रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में मैंने आपको बताया, जब आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है, यहाँ इंसिडेंट रे दैट इज उन्होंने रिफ्रैक्टेड रे, एंड लास्ट में आपकी इमरजेंट रे, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक है बच्चों, जब ए फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट जाती है तो साइन आई वन अपोन में साइन आर वन, आई वन अपोन में आर वन लिया हुआ है। तो बेटा ये जो डेरिवेशन मैंने आपको समझाया है, ठीक है, उस डेरिवेशन को आप बिल्कुल अच्छे से आप पूरी वीडियो को देखिया देख लिया है आपने, ठीक है, जब आप यहाँ पर हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो को पूरा देख लिया है। ठीक है, आप ये सारा कंटेंट अपनी कॉपी में नोट करके रखें और फिर देखें इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मैंने आपको समझाया था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है? इफ लाइट सफर एनी वन ऑफ द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इफ द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स, जो पाथ ऑफ लाइट है अगर वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है, किसी भी कारणवश कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि मैंने इसमें आपका क्या लिया हुआ है बच्चों, मिरर लिया हुआ है, एक मैंने मिरर को प्लेस किया हुआ है, यहां से मैंने मिरर प्लेस करने से जो लाइट इंसिडेंट से रिफ्रैक्टेड रे में कन्वर्ट हुई थी, रिफ्रैक्टेड के बाद में वो रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने मीडियम में वापस जाती है। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने मीडियम आपको दिखाए थे N1 एंड N2, ठीक है, जो आपका N2 है वो डेंसर मीडियम है, N1 आपका रेयर मीडियम था बच्चों यहां पर। ठीक है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहे हैं तो साइन आई अपॉन में साइन आर वन, ठीक है, साइन आर मैंने लिया है। अब सेकंड मीडियम से जब फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड से आप फर्स्ट में आएंगे तो साइन आर अपॉन में साइन आई वन बाय द स्नेल्स लॉ। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमें मिल जाता है वन एन टू इज इन टू टू एन वन इज इक्वल टू वन। ठीक है बच्चों, यहां से आपके दो फॉर्मूले बनते हैं, वन एन टू इज इक्वल टू वन अपॉन में टू एन वन, टू एन वन इज इक्वल टू वन अपॉन में वन एन टू। तो इस तरीके से आप बेटा यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बच्चों मैंने आपको न्यूमेरिकल इसमें आपको समझाया बच्चों मैंने, ठीक है, न्यूमेरिकल आपने भी सॉल्व किया बेटा, ये लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको बतानी थी कितनी है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपने जो है जो आपको वैल्यू गिवन है वो आप इसे पुट करिए, कैलकुलेशन सही आपकी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेटर वगैरह आपके अलाउ नहीं है, ठीक है, फिलहाल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उन्हें आप धीरे धीरे आप ऐसी आदत डालिए कि अपने आप ही आप उसे सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस आपके गिवन हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल करिए बेटा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा दैट इज नोन एज स्फेरिकल जो लेंसेज हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, लेंसेज के बारे में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। तो किस तरीके से जो लेंसेज में, जो लेंस के अंदर किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, लेंस जो फार्मूला है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों।